أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Back tool The tool used for striking the surfaces of object different objects bending the metallic sheet driving the nails in wooden articles are called impact tools These are also called the hammers and mallets There are different types of hammers which are being used in wood workshop आपको मैं एक चीज बता दूं कि impact tool जो कि आपने hammers या mallets देखे हैं जो हम wood workshop में use करते हैं ठीक है हम wood workshop में जो hammer use करते हैं उसे उन tools को हम impact tool कहते हैं striking the surfaces of different object जिसमें हम क्या करते हैं कि इस हैमर या मैलेट्स की मदद से अपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करते हैं चोट लगाते हैं और फिर हम इसको वुडन वर्कशॉप में यूज करते हैं या बेंडिंग दी मेटेलिक शीट या ड्राइविंग दी नेल्स यानी जो कि हमने कील वगैरह लगानी होती है वुडन आर्टिकल में जो हमारे वुड के पीसेज हैं वुडन पीसेज या वुडन ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें ये अपना हैमर या मैलेट्स को यूज करते हैं ठीक है क्लासिफिकेशन ऑफ हैमर्स इसमें दो किस्म के हैमर्स होते हैं हार्ड हैमर्स सॉफ्ट हैमर्स हार्ड हैमर्स में आगे उसके मजीद तकसीम है क्लॉ हैमर बॉल पिन हैमर स्ट्रेट पिन हैमर क्रॉस पिन हैमर हैचेस और सॉफ्ट हैमर्स या मैलेट्स उसे बोलते हैं उसमें डिफरेंट आगे एग्जाम है वुडन मैलेट रॉहाइड मैलेट रबर मैलेट प्लास्टिक मैलेट एल्यूमिनियम मैलेट कॉपर मैलेट लेड मैलेट हार्ड हैमर्स हार्ड हैमर में सबसे पहली जो हमारी किस्म है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट किस्म है क्लॉ हैमर क्लॉ हैमर्स को हम यूज करते हैं इट इज अ स्पेशली हैमर यूज्ड इन वुड वर्कशॉप इट इज अ मेड ऑफ फॉर्ज कार्बन स्टील हार्डेंट एंड टेम्पर्ड इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स हैंडल हेड ए पार्ट विच स्ट्राइकिंग द नेल्स इज कॉल्ड हेड हम क्या करते हैं कि जिस हिस्से से हम नेल्स को स्ट्राइक करते हैं ठीक है चोट लगाते हैं उस हिस्से को हम हेड बोलते हैं और दूसरा हिस्सा द अदर पेन अदर इज कॉल्ड पिन द पिन इज गिवन द शेप ऑफ क्लॉ व्हिच इज यूज्ड फॉर पुलिंग द रॉन्ग ड्राइव नेल्स इनटू द सरफेस ऑफ वुड हमने सरफेस ऑफ वुड में जो कि रॉन्ग नेल्स को अपना इंसर्ट कर दिया उसको हम ड्राइव अपना पुल्ड आउट करने के लिए इस हैमर्स को जो दूसरा हिस्सा है क्लॉ ठीक है पिन है उसको हम यूज करते हैं हेड ऑफ हैमर इज हार्डेंड एंड टेम्पर्ड बाई हीट ट्रीटमेंट मेथड द साइज ऑफ हैमर इज मेजर्ड हम क्या करते हैं कि साइज ऑफ हैमर को मेजर करने के लिए उसके वेट से मेजर किया जाता है जो 300 ग्राम से 600 ग्राम तक होता है ठीक है और टू मच आर मोस्ट केयर मस्ट बी ऑब्जर्व इन यूजिंग द क्लॉ हैमर इन वर्कशॉप लूज हैंडल मस्ट बी अवॉइडेड इफ द हैंडल बिकम्स लूज डिप इट इन टू लिंसिड ऑयल आर या रिप्लेस द हैंडल विद न्यू हैंडल हमने को यूज करना है उस वाले से उसने सेफ्टी प्रिकॉशन बताई है कि उसका हैंडल लूज नहीं होना चाहिए अगर उसका हैंडल लूज है तो उसने एक उसकी सेफ्टी प्रिकॉशन बताई है कि आपने उसको एक या दो दिन के लिए या चंद घंटों के लिए डिप कर देना है अलसी के तेल में लिंसिड ऑयल में या उसके हैंडल को आप रिप्लेस कर दें सिंपल और मुख्तसर मैं आपको ये बता दूं कि बिल्कुल ये हमारा एक हैमर है हैमर के बिल्कुल दो हिस्से थे ये हमारा एक हेड है सही है और दूसरा हैंडल उसने बताया था ठीक है अंदर हमने जो कील लगा दी है बिल्कुल वो रॉन्ग लगा दी है या टेढ़ा हो गया या बेंट हो गया ठीक है नेल तो हम उसको रिमूव करने के लिए या अपना पुल्ड आउट करने के लिए बाय निकालने के लिए क्लॉ साइड को यूज करते हैं ठीक है और अप्रोक्सीमेटली हमारी वुड वर्कशॉप में जो हैमर यूज होता है उसका जो वेट होता है अप्रोक्सीमेटली 300 ग्राम से 600 ग्राम तक होता है ठीक है अगर इसने सेफ्टी प्रिकॉशन से बताया कि अगर इसका हैंडल लूज हो गया तो आपने लिंसिड ऑयल में इसको डिप कर देना है ठीक है लिंसिड ऑयल यानी अलसी का तेल अगर फिर भी ये सही नहीं होता तो बिल्कुल आपने क्या करना है कि इसका हैंडल को रिप्लेस कर देना हार्ड हैमर की दूसरी किस्म है बॉल पिन हैमर बॉल पिन हैमर्स ऑफ डिफरेंट साइज
आर यूज फॉर मेटल वर्कशॉप अलॉन्ग विद वुड वर्किंग शॉप। ये हम इनको मेटल शॉप में और वुड वर्किंग शॉप में यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर ले आउट एंड रिफ्टिंग प्रोसेस। हमने जो ले आउट लेनी है, अगर ले आउट लगाने के लिए या स्ट्राइक करने के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो उस वाले से इसको यूज किया जाता है। या हमने रिफ्टिंग का प्रोसेस करना है, यानी रिफ्टिंग लगानी होती है, ठीक है, मेटल शॉप में, तो उस वाले से भी इसको हम यूज कर सकते हैं। बाल पिन हैमर की ये चपटी साइड है और दूसरी साइड बिल्कुल जो हमारी बाल पिन की तरह ही होती है, और इससे हम क्या करते हैं कि चोर या लगाने के लिए यूज करते हैं। क्रॉस पिन हैमर आर यूज फॉर पोजीशनिंग द नेल इन प्रॉपर परपेंडिकुलरिटी। इट इज यूज फॉर बेंच वर्क इन वुड वर्कशॉप। अगर हमने बेंच के ऊपर काम करना है सही है, और हम जो हमारे कील हैं उसको परपेंडिकुलरली उसकी पोजीशन को सेट करना चाहते हैं, प्रॉपरली लगाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि क्रॉस पिन हैमर्स का यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर जनरल मैकेनिकल वर्क एंड अवेलेबल फ्रॉम 200 ग्राम टू 300 ग्राम फॉर वुड वर्किंग पर्पज। इट्स पिन्स ऑलवेज अलॉन्ग विद द डायरेक्शन ऑफ हैंडल। हैमर्स को हम बोलते हैं सेपरेट पिन हैमर। हैचेस, दिस हैच शेयर्स मेड ऑफ कार्बन स्टील। इट्स हैंडल कैनॉट बी स्लिप्ड आउट। इट इज ए स्पेशल शेप्ड हैमर यूज टू ड्राइव एंड पुल आउट द नेल्स इन। ये जो हैमर्स होते हैं बिल्कुल, इससे हम क्या करते हैं कि नेल्स यानी कील्स वगैरह को हम अपना उस लकड़ी के अंदर लगाने के लिए या अपना उससे बाहर निकालने के लिए इन हैमर्स को यूज करते हैं। सही है, इनके जो एज होते हैं बिल्कुल वो कटिंग एज होते हैं। स्पेशली इनके जो हैंडल होते हैं वो स्लिप नहीं होते, क्योंकि ये इट कैनॉट बी स्लिप, क्योंकि ये स्पेशल शेप्ड हैमर्स होते हैं, और ऐसे हैमर्स को हम बोलते हैं हैचेट्स। सॉफ्ट हैमर्स और मैलेट। ये हैमर्स जो कि बिल्कुल नरम होते हैं, जिसमें सबसे पहली किस्म है वुडन मैलेट। वुडन मैलेट आर यूज्ड इन शीट मेटल वर्क। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर स्ट्राइकिंग द हेड ऑफ वुडन चीजेस, गॉजेस एंड वुडन पीसेस। बीट वुड हैज सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स एंड मैलेट आर मेड बाय दिस मटेरियल टू इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ मैलेट्स इज सॉक्ड इन लिंसेट ऑयल। हम क्या करते हैं कि इसमें लकड़ी के बने हुए मैलेट्स को हम शीट मेटल वर्क में यूज करते हैं। इसके हम क्या कहते हैं कि बिल्कुल, अगर हमने अपना उसकी जो वुडन चीजल होती है उसको स्ट्राइक करना चाहते हैं, या हम गॉजेस को स्ट्राइक करना चाहते हैं, या हम वुडन पीसेस के जॉइंट को लगाना चाहते हैं, तो उस हवाले से हम इन मैलेट्स का यूज करते हैं। और अगर इस मेटल की जो हमने बिल्कुल क्या करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर जो होती है, वुड हैज टफ स्ट्रक्चर्स एंड मैलेट मेड बाई दिस मटीरियल टू इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ मेटल। हम क्या करते हैं कि अगर हम इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं इस अपना हैमर्स की, तो हम इसको लिंसिड ऑयल यानी अलसी का तेल जो होता है हमारा, उसमें हम इसको भगो देते हैं। सही है, ये हमारा मैलेट्स हैं बिल्कुल, जो बिल्कुल टोटली हमारा जो होता है इसका हेड, ठीक है, वो भी बिल्कुल अपना लकड़ी का बना होता है, और बिल्कुल ये जो बिल्कुल इसका हैंडल है इसका, वो भी हमारा लकड़ी का बना होता है। इसे हम किस्म के वुडन मैलेट, रॉ हाइट मैलेट, ये हमारी सॉफ्ट जो मैलेट है या सॉफ्ट हैमर है इसकी दूसरी किस्म है। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर सॉफ्ट वर्क। इट इज मेड ऑफ लेदर्स एंड यूज फॉर लेमिनेशन ऑफ मेटेलिक और या नॉन मेटेलिक शीट ऑन द सरफेस ऑफ द वुड। बिल्कुल ये जो मैलेट होता है बिल्कुल सॉफ्ट वर्क के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये लेदर का बना होता है बिल्कुल, इसका जो हेड होता है, ठीक है, उसके ऊपर बिल्कुल नॉन मेटेलिक शीट होती है या मेटेलिक शीट की लेमिनेशन की होती है। ऐसे मैलेट्स को हम बोलते हैं रॉ हाइट मैलेट। प्लास्टिक मैलेट है। प्लास्टिक हैमर्स आर यूज इन असेंबली द वर्क ऑफ वुडन जॉइंट्स। दिस इज हार्ड हैमर्स बट कंपैरेटिवली लेस हार्ड देन मेटल्स। जो हमारे मेटल्स में अपने यूज होने वाले हैमर्स हैं या हार्ड हैमर्स हैं, उनसे बिल्कुल ये कंपैरेटिवली अगर किया जाए तो बिल्कुल ये हैमर्स कंपैरेटिवली लेस हार्ड होते हैं। सॉफ्ट हैमर्स की पांचवी किस्म है हमारी कॉपर, एल्यूमिनियम एंड लेड मैलेट्स। ये ऐसे मैलेट्स या हैमर्स होते हैं जिसमें हमारा जो हेड होता है, सही है, वो बिल्कुल कॉपर मटेरियल का होता है या एल्यूमिनियम मटेरियल का होता है या लेड मटेरियल का होता है। ऐसे मैलेट्स को हम बिल्कुल पीसीस की सेंसिटिव असेंबली हो उस जगह पे हम इन मैलेट्स को यूज करते हैं, सही है, और बिल्कुल जो वुड होती है बिल्कुल उस जगह पे अगर हमने यूज करना हो ताकि डेंट वगैरह ना आ जाए, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं इन कॉपर, एल्यूमिनियम और लेड मैलेट का यूज करते हैं।